दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि जो भी इस पृथ्वी लोक पर आया है, एक न एक दिन वह मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोगों की मृत्यु अचानक ही हो जाती है। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या होता है? क्यों कोई बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है, तथा क्यों कोई व्यक्ति एक्सीडेंट या हार्ट अटैक जैसी बीमारी से अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? क्या यह मृत्यु भगवान की मर्जी से होती है या हमारी गलती से? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है, या फिर कोई बच्चा जन्म के 2 साल, 3 साल या 5 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, माना जाता है कि ये पुण्य आत्माएं होती है। ये आती है, अपना कार्यकाल पूरा करती है तथा वापिस चली जाती है। दोस्तों, भगवान कभी भी किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनते। हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से ही पृथ्वी लोक पर आता है तथा समय पूरा होने पर चला जाता है। इस पृथ्वी पर हम सबकी उम्र कितनी है, ये हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे द्वारा किए गए पाप और पुण्य का हिसाब हमें इसी जन्म में किए बिना मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, जिस दिन हमारे द्वारा किए गए पाप और पुण्य बराबर हो जाएंगे, उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि तुम अपने जीवन में जो भी कर्म करो, उन्हें मुझे सौंप दो। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम बस इतना मन में ध्यान रखना कि जो भी तुम कर रहे हो, वो बस मुझे ध्यान में रखकर करना। मुझे स्मरण करके याद रखना कि इस संसार में जो भी मैं कर रहा हूँ, वो बस आपकी मर्जी से हो रहा है। इसलिए दोस्तों, हम सभी को भगवान के चरणों में अपने सुख और दुख अर्पित कर देने चाहिए। भगवान पर कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, हम में से ज्यादातर कहते हैं कि अगर किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह भगवान की मर्जी से होती है। जी नहीं दोस्तों, भगवान कभी भी किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनते। हर व्यक्ति अपनी एक निश्चित उम्र लेकर पैदा होता है तथा समय पूरा होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, किसी की भी मृत्यु न तो भगवान की मर्जी से होती है और न ही आपकी गलती से। जिसको जितना समय मिला होता है, वह उतने समय तक ही इस पृथ्वी लोक पर जीवित रहता है तथा बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी की मृत्यु होने पर भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।